हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई की 11 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश पर मोहर लगाते हुए पैक्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया एवं कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेडिया और कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स का रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ये मामला 15 दिन में हल किया जाए। ग्रामीण चौकीदारों को पीएफ के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग को ये मामला प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। अवन हेल्थ सेंटर की एएनएम को सितंबर 2019 से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ दिए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम वेतन के मामले में अलग अलग विभागों में विसंगतियां दूर करने और करनाल में हड़ताल के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए करनाल में कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर दर्ज मामले तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए। न्यूनतम वेतन संशोधित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।